हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? तो फ्रेंड्स, मैं ये एक सीरीज वाइज बना रही हूँ, स्वेटर बच्चे का एक सेट बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपके साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर किया था, उसके बाद मैंने आपके साथ ये कार्डिगन शेयर किया था बच्चे का, उसके बाद मैंने ये कैप शेयर की थी। ये देखिए, इस तरह की ये कैप आपके साथ शेयर की थी। इन सब का वीडियो मेरे चैनल पे है। और आज मैं आपके साथ ये बूटी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। देखिए, एक छोटा सा बूट बच्चे के बिल्कुल पैरों पे बहुत अच्छे तरीके से ये आएगा। ये बच्चे को आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके 1 साल तक के बच्चे तक का आप इसको पहना सकते हैं। इसका साइज बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पैर को कवर भी करेगा और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। आप इसको 1-1.5 घंटे में आप दोनों सेट को बहुत आराम से, दोनों बूटी को आप इसके आराम से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं कि कैसे मैंने इस बूटी को बनाया है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है ना, रेड कलर से लिखा होता है सब्सक्राइब, आप उसको टच करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो प्लीज़ उसको जरूर टच करें और हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप कोई कमेंट भी करें। अगर अच्छा नहीं लगता आपको कोई भी वीडियो, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो कि आपको उसमें क्या गलती लगी। तो अगर आपको ये लगता है तो ज़रूर लिख के बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगा, तो मैं ज़रूर उसमें सुधार करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे की बूटी बनाने के लिए हमें यहाँ पे बच्चे का सॉक्स चाहिए, 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए। यहाँ पर मैंने लिए हैं 46 फंदे, ये 46 फंदे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने गार्टर स्टिच से, यानी उल्टी उल्टी सिलाइयों से, हमने यहाँ पर 12 लाइनें ये बना ली हैं। ये 12 लाइनें यहाँ पे मैंने ये बना ली हैं। ये मैंने आपको पहले इस तरह बना के ऐसे नहीं दिखाई क्योंकि बहुत सिंपल है, तो अगर साथ साथ बना के दिखाती हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप क्या करें कि 46 फंदे यहाँ पे डालें, यानी 46 फंदे डालने के बाद आप ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों तरफ से, उल्टी उल्टी है देखिए, इधर से भी उल्टी सिलाइयाँ हैं और इधर से भी, यानी गार्टर स्टिच की आप यहाँ पर ये 12 लाइनें बना लें। इतनी लाइनें आप बना लें, फिर उसके बाद में आगे आपके साथ ये शेयर करती हूँ किस तरीके से हमने इसको आगे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या करना है कि ये सीधी साइड पे हैं हम लोग इसकी, और यहाँ पर इस यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे हमने फंदे घटाना शुरू करने हैं एक किनारे से। तो यहाँ पर मैंने ये एक फंदा घटा दिया। इनको हमने इस तरीके से घटाना है कि जैसे 2 का 1 बनाया, उसके बाद पिछले वाले जो एक फंदा बचा ना, उसको अगले फंदे के साथ ऐसे मिला के उसको भी हमने यहाँ पे घटा दिया। तो ये 2 हो गए, ये इस तरह से, ये 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, ये 8, 9, ये 10। तो यहाँ पर अभी हमने घटा लिए 10 फंदे। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना लिया है, जब भी आप वीडियो देखते हुए कोई भी चीज़ बनाए ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ 46 फंदे डालें, फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये 12 लाइनें बुन लें। अब मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, तो उसके बाद ना आप यहाँ पे वीडियो को रोक लें और उसके बाद ये बना लें, फिर आगे आप वीडियो को स्टार्ट करें तो आगे आप देखें। तो इस तरीके से आप वीडियो से इस चीज़ को आप उतार सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब आगे हमने एंड तक ऐसे ही बुनना है। 10 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए, तो अब लास्ट तक हमने ऐसे ही उल्टे उल्टे फंदे जो हैं वो बुन के जाने हैं इस तरह से। तो ये मैं एंड तक बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ से घटाई करी, 10 फंदे घटाए, अब हमने लास्ट तक ऐसे बुना। अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, इसकी उल्टी साइड पे। तो अब फ्रेंड्स, 10 फंदे हमने इस साइड से भी वैसे ही घटाने हैं जैसे हमने दूसरी तरफ से घटाए हैं। तो ये 1 हो गया, 2,
तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। तो ये 10 फंदे हमने यहाँ से भी कटा लिए। अब फ्रेंड्स हमने इसको आगे जो है इसको इस तरीके से, इस सिलाई को तो हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है कि हमारी ये उल्टी फ्रेंड्स, इस साइड सिलाई है। को हमने उल्टा 10 उल्टा फंदे बुन हमने के यहाँ खत्म पे घटा करने दिए, हैं। 10 उसके फंदे बाद हमने हम उधर से घटा एक दिए। सिलाई तो सीधी जो बाकी और बच एक गए सिलाई उनको हमने उल्टी ऐसे ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा सिंपल ही बुन के बुन खत्म लेंगे। करना है और फिर उसके बाद हम उल्टी आगे साइड आपको पे। बताते हैं कि और हमने यहाँ पे क्या करना है। तो अब फ्रेंड्स देखिए हमने 2 सिलाइयां यहाँ पे सिंपल सिंपल बना ली, एक उल्टी एक सीधी ऐसे करके। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 फंदे ऐसे, एक को स्लिप किया, 2 फंदे ऐसे बुन लिए, एक और फंदा हमने यहाँ पे बुन लिया, 3 हो गए। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर 2 फंदे का एक करना है। एक्चुअली हाँ, हम यहाँ पे एक सिलाई में जाली डालेंगे, ये हमने यहाँ पे डोरी डालने के लिए यहाँ पर ये होल बनाने हैं जो कि ये जाली के साथ बनेंगे। तो आगे 3 फंदे हम ऐसे बुन लेंगे, यानी एक फंदे को हमने ये 2 का एक किया, उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 का फिर से हम एक करेंगे और एक यहाँ पे जाली डालेंगे। तो जो फंदा हमारा घट रहा है वो ये जाली से यहाँ पे बढ़ जाएगा और 2 फंदे आगे सीधे बुन लेंगे इस तरह से। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 का एक करेंगे, यहाँ पर एक जाली डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो ये जाली के साथ हमारा बढ़ गया। उसके बाद फिर से हम 2 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का यहाँ पे एक करेंगे। इसी तरह से हमने ना ये सारी सिलाई को बुन लेना है। ये बूटी फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाती है, 1-2 घंटे में ही, 1-1.5 घंटे में आपकी बूटी पूरी बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। धागा अपनी तरफ किया, फिर से यहाँ पे 2 का एक किया, फिर 2 फंदे सीधे बुने और फिर से लास्ट में ऐसे ही हमने 2 का एक कर देना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब आगे हम इसकी उल्टी साइड पे ये सारी सिलाई हमने बुन ली। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये एक फंदे को हम ऐसे पर्ल वाइज स्लिप किया, उसके बाद धागे को हमने पीछे करना है और यहाँ पर उल्टे और सीधे फंदे बुनने हैं। ये हम अब बॉर्डर बनाएंगे, जो बॉर्डर होगा ना इसका ऊपर को वो बनाएंगे। तो ये बुन लिया मैंने सीधा, धागे को अपनी तरफ किया, एक उल्टा, फिर धागे को पीछे किया, एक सीधा, धागे को अपनी तरफ किया, एक उल्टा। ऐसे ही हमने अब ऊपर को बना लेना है, एक उल्टा और एक सीधा। उल्टा ये हो गया, सीधा ये आपको जितना चाहिए ना ऊपर तक, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं ना उतना इसमें आप बना सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से ऊपर आप बुन सकते हैं उल्टा और सीधे का बॉर्डर। तो ये हमने एक बॉर्डर की लाइन यहाँ पे बुन ली इस तरीके से। अब हमने ऊपर को बुन लेना है, तो मैं भी बुन लेती हूँ जितना मेरे को चाहिए और आप भी बुन लीजिए, फिर हम आगे एक बार और मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इतना ये बना लिया जितना मेरे को चाहिए, यानी इतना काफ़ी है बच्चे के हिसाब से। तो अब हमने इसको ना बंद कर देना है, यहाँ से इसको घटा देना है, जैसे हमने यहाँ से घटाया था वैसे ही अब हमने इसको घटा देना है। इन 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे और फिर वही सेम जैसे हमने नीचे घटाए थे ना 10 फंदे, सेम उसी मेथड से हम इसको भी घटा देंगे यहाँ पर एक के साथ एक। इस तरह से आगे हम ये घटाई ऐसे कर देंगे।
तो ये हमने देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसको बना लिया और इसकी कटाई कर दी। अब हम यहाँ पे धागा काट लेंगे क्योंकि इसी से अब हम आगे इसको स्टिच करेंगे। तो जो ये है इसके साथ अब हम यहाँ से इसको निकाल देंगे और इसको ऐसे क्रॉस करके इस तरह से खींच देंगे तो ये हमारा सेफ हो जाएगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने ये देखिए एक और यहाँ पे बना के रखा है। ये दोनों हमारे तैयार हो गए। अब हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। आप फ्रेंड्स जब भी यहाँ पे फंदे डालें ना तो सिंगल धागे से आप यहाँ पे फंदे डालें, इसको डबल धागे धागे से नहीं डालना क्योंकि ये स्टिच होगा यहाँ से, तो इसको डबल धागे से हम फंदे यहाँ पर नहीं डालेंगे, सिंगल धागे से हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। जैसे हम इस तरीके से डालते हैं ना, ऐसे फंदे डालते हैं इस तरह से, इस तरीके से आप फंदे यहाँ पे डाल लें या जैसे भी आपको डालने आते हैं आप उस तरह से यहाँ पे फंदे डाल सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे फंदे डालें स्टार्टिंग में सिंगल, क्योंकि नीचे यहाँ पे सिलाई होनी है तो अगर यहाँ पे मोटा होगा तो वो ठीक से नहीं आएगा। यहाँ अगर जो भी चीज़ हम बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं ना उसको हम डबल धागे से यहाँ पे या तीन धागों से यहाँ पे बना लेते हैं, लेकिन इसमें हम सिंगल धागे से ही यहाँ पर फंदे डालेंगे। तो अब हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे डबल करेंगे, उल्टा करेंगे और इसको यहाँ से बॉर्डर से ऊपर से एक इधर से और एक उधर से इस तरीके से अब हमने इसको स्टिच कर देना है। मैंने यहाँ पे बड़ा धागा रखा हुआ है जिससे कि ये इजीली यहाँ पर स्टिच हो जाए। एक इस साइड से उठाएंगे और एक इस तरफ से उठाएंगे, दोनों को हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स हमने इसको सिल लिया, सीधा कर दिया। देखिए कितना प्यारा बूट बन के आया है, ये बिल्कुल पैर बच्चे का कवर हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना। आप 1 से 1.5 घंटे में इसको बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप इस बूट को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।